कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली पुलिस ने सिराथू स्टेट बैंक में हुए 3,50,000 की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर खदेरी नदी पुल के पास से आरोपियों को चोरी के 20,000 और 2 मोबाइल एवं 7 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उसी जाँच में बाकी के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पेश है हमारे कौशाम्बी संवाददाता राम किशन पटेल की खास रिपोर्ट। कैसे आत्मवरण किया गया, कितने लोग पकड़े गए? एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में हमारी टीम सैनी पुलिस और हमारी एसओजी टीम दोनों ने संयुक्त अभियान लगा करके ये 6/4/2019 को भारतीय स्टेट बैंक से 3,50,000 रुपया चोरी किए थे। तो जो उसके सीसी फुटेज थे उन फुटेज में एक युवक एक उसमें मोबाइल से बात कर रहा है जो सस्पेक्ट था। उसी सस्पेक्ट का टाइमिंग लेकर के हमने सर्वलाइंस पर लगाया और उसकी बीटीएस उठा करके उस पर हमने काम किया। हमें कामयाबी मिली और सही अभियुक्त मिल गए, जिसका एक का नाम रॉबिन पुत्र नीरज सिंह निवासी ग्राम कड़िया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा नाम लालू सिंह, तीसरा है कुणाल, जिनकी उम्र 14 साल 19 साल और 22 साल हैं। तीनों एक ही बाप के बेटे हैं और ये चलते फिरते ये इसी प्रकार की ये चोरियां करते हैं। कौशाम्बी में भी 3-4 चोरियां इन्होंने पहले पूर्व में की हैं। इनको इनसे 20,500 बरामद हुआ है और दूसरे मुकदमे में 2600 रुपया बरामद हुआ है और इनको लिखापढ़ी करके और इनको जेल भेजा जा रहा है।